हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज एंगेजमेंट का मेकअप करते हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एजी टाइप से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा जो करने का तरीका है सेम है, लेकिन हर प्रोडक्ट एक तरीके से नहीं लगाया जाता। तो CTM तो हर मेकअप में कंपलसरी है, मैं हर मेकअप में करती हूँ गाइस, तो आपको भी ज़रूर करना है। और अगर मेरी वीडियो को आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से आप बारीकी से सीखोगे और आपका काम भी बहुत अच्छा, मेकअप भी बहुत अच्छा होगा, लगाने की टेक्निक भी बहुत अच्छी रहेगी, आपका पेची नहीं होगा, क्रैकी भी नहीं होगा, ब्लैक भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं CTM कर चुकी हूँ, उसके बाद अच्छे से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। मैं कंसीलर भी लगाया है, उसके बाद फाउंडेशन को भी अच्छे से लगा के ब्लेंड किया है। अब बारी आई कॉन्टोर की, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, तीन बनाना है, फॉरहेड से लेकर चिक पर, चिक से लेकर चिन पर, तो आपको तीन बनाना है बहुत अच्छे से। और उसको भी बहुत सॉफ्ट तरीके से आपको ब्लेंड करना है। नोज पर भी आप ज़्यादा गैप ना दें, जितना आप पतला गैप दोगे उतना पतली नोज दिखेगी, और ज़्यादा चौड़ा दोगे तो मोटी नोज दिखेगी। तो उसे बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, जैसे कि आप टमाटर को काटते हैं सॉफ्ट हाथों से, उसी तरीके से आपको प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करना है, ना कि आप बहुत ज़्यादा ताकत लगा के आप ब्लेंड करोगे तो प्रोडक्ट हट जाएगा। वो सब तरीके से लगाना है। उसके बाद लगाया लूज पाउडर, आपके जो वैनिटी में है बनाना का या फिर PSC का या मेकअप स्टूडियो का, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। तो गाइस मैं लगा चुकी हूँ, उसके बाद कर रही हूँ ब्लेशर। क्रीमी बेस को लॉक ज़रूर करें, क्रीमी बेस को लॉक करने के बाद आप ब्लेशर लगा सकते हैं, कॉन्टोर भी कर सकते हैं पाउडर वाला। तो जो मेरा चल रहा है, कॉन्टोर कर चुकी हूँ, ब्लेशर भी हो रहा है, उसके बाद अच्छे से आपको बहुत अच्छे से ही आपको ब्रश से ब्लेंड करना है। जितना ब्लेंड करोगे जितना ही आपका कवरेज देगा, ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करना है, बहुत कम हाईलाइट करना है। तो जो भी है मैंने नोज पर थोड़ा सा लगाया, चिन पर भी थोड़ा सा लगाया गाइस, तो आपको दिख रहा है। और मेरा जो भी है लास्ट लुक भी आप देख सकते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे मेरा लास्ट लुक कैसा रहेगा। तो मैं हाईलाइट भी बहुत अच्छे से कर चुकी हूँ गाइस, और उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग ही मैंने उसको लिपस्टिक लगाया, ज़्यादा हाई नहीं लगाया है कि ज़्यादा डार्क हो, नॉर्मल है। आई शेडो भी उनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही है, जब तक आई शेडो चल रहा है जब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा जितना उतना वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, कमेंट भी करें। आपके जो भी रिलेटिव से आपके क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी गाइस। तो मेरा फाइनल लुक हो गया है गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, शेयर करें, कमेंट करें और